मॉर्निंग में किससे पूछ रही पहले से? अच्छा अच्छा सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग जिस तरह से आप सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं और जो मस्ती देखने को मिल रही है मलाड के लोगों में, कितना अच्छा लगा इस स्टेज पर आकर? मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि सुबह सुबह है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतने ज़्यादा जोश मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता, तो मलाड मस्ती में देखने को मिला है। पिछले साल भी मैं आया था, तब भी ऐसे ही मतलब जोश था लोगों में, और बच्चे से लेके बूढ़े तक हर उम्र के लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे थे। आज भी वही देख रहा हूँ, आप खुद देख सकती हैं पीछे कितना शोर मच रहा है, पीपल आर एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है असलम जी द्वारा, क्योंकि इसमें लोगों को जुड़ने का मौका मिल रहा है, यहाँ के जो लोकल हमारे जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का भी मौका मिलता है, अपना टैलेंट तो शोकेस कर ही रहे हैं डेफिनेटली। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड एफर्ट टू रीयूनाइट एवरीबॉडी इन द सेम विसिनिटी। हर तबके से लोग आते हैं, हर उम्र के लोग आते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू रीयूनाइट एंड एंजॉय टुगेदर। असलम सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक MLA हैं कांग्रेस पार्टी से हैं, और जिस तरह से उनका एक थॉट है, जो उनकी सोच है, सोच के साथ जो हमेशा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की, क्या अच्छा लगता है? मेरा ख्याल है कि वो असलम जी कांग्रेस से हैं, इससे ज़्यादा मतलब ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि असलम शेख जी ने पिछले कई सालों में, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ मलाड के डेवलपमेंट में, उसके यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में और लोगों को हेल्प करने में हमेशा आगे रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी काम किया है अपने ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ। तो वही आई थिंक रीज़न है कि इस बार भी इस इलेक्शन में वही जीते हैं, इन स्पाइट ऑफ द सेफरन वेव ऑल ओवर द कंट्री। तो इससे जाहिर होता है कि उनका पर्सनल एफर्ट जो रहा है, एक इंसान के तौर पे, एक पॉलिटिशियन के तौर पे बहुत अच्छा रहा है, और लोगों के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि वो अपने शख्सियत और अपने काम की वजह से आज हैं जहाँ भी। आप क्या कहना चाहेंगे?